हेलो गाइस, मैं हूं केशव। आप देख रहे हैं टेक्स माइट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रियलमी 6 प्रो के बारे में बताने वाला हूं, क्या उसकी स्पेक्स रहेगी, किस प्राइस पर फोन आएगा और इस फोन का प्राइस ज्यादा क्यों होगा और ब्लाइंड सेल में आपको इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन सब चीजों पर आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर भी करना। करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले फोन के लॉन्च की बात करते हैं। तो फोन आपको 5 मार्च को लॉन्च देखने को मिल जाएगा 12:30 बजे, और इस फोन की पहली जो फ्लैश सेल आपको देखने को मिलेगी वो 15 मार्च को देखने को मिलेगी, और 26 फेब से 4 मार्च के बीच में आप इस फोन का ब्लाइंड ऑर्डर कर सकते हो। यानी कि ब्लाइंड ऑर्डर क्या, मतलब प्री बुकिंग हो जाती है एक तरीके से। आप मतलब 1000 रुपीज एडवांस दोगे और बाकी आप इस फोन को जब आप परचेज करोगे, यानी कि जब आप इसको सेल वगैरह में लोगे, तो उस टाइम आपको बाकी की पेमेंट करनी होगी। तो ये होती है आपकी ब्लाइंड सेल। तो पहले आपको बता देता हूँ कि आपको ब्लाइंड सेल का फायदा क्या रहने वाला है। तो आपको कुछ कूपन्स देखने को मिल जाएंगे और रियलमी के ईयरफोन शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपका अगर लक हुआ तो आपको ईयरफोन देखने को मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे आपको रियलमी के ईयरफोन, और यहाँ पे कूपन्स वगैरह आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा इधर फायदा हो सकता है, बाकी और यहाँ पर कुछ इतना खास फायदा नहीं होने वाला। और जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो आपको बताता हूँ। तो यानी कि मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ कि आपको ब्लाइंड सेल में इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आपको इस फोन को ब्लाइंड सेल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे पहले इस फोन को बुक कर दोगे और बाद में आपको ये फोन पसंद नहीं आया और आपको यहाँ पे प्राइस इसका भी पता नहीं कि इस प्राइस पर आएगा, तो आपको मतलब स्पेसिफिकेशन वगैरह इसकी पसंद नहीं आई और बाकी मतलब प्राइस वगैरह पसंद नहीं आया, तो आपका यहाँ पे कट जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ब्लाइंड सेल के अंदर इस फोन को मत लेना। आप इसकी पहले स्पेस और प्राइस वगैरह आप यहाँ पे पता कर लो, फिर उसके बाद इस फोन को लेना। तो फोन की स्पेसिफिकेशन पे चलते हैं। तो रियलमी 6 प्रो में आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, तो काफी सही डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 6.5 इंच की फुल HD प्लस की डुअल पंच होल नोच वाली देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसकी मतलब डुअल कैमरे देखने को मिलेंगे और पंच होल नोच आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोई AMOLED वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। डिजाइन जो रहेगा इस फोन का पहले जैसे रहेगा, जैसे कि आपको पहले जो रियलमी के फोन देखने को मिले थे क्वाड कैमरा वाले, वैसे ही आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसेसर की बात करते हैं, 720G का देखने को मिलेगा, 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी और फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की, 4 कैमरा कौन कौन से किस किस काम के देखने को मिलेंगे। तो पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा सोनी 686 का, तो यानी कि जो यहाँ पे कैमरा काफ़ी ज़्यादा किलर होने वाला है 64 मेगापिक्सल का। सेकंड कैमरा आपको देखने को मिलेगा टेलीफोटो लेंस, तो ये आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तीसरा कैमरा आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा माइक्रो शॉट के लिए, जो कि 2 मेगापिक्सल का होगा। और चौथा कैमरा आपको देखने को मिलेगा वाइड लेंस, यानी कि 8 मेगापिक्सल का वो होगा, और यहाँ पे मतलब वाइड वगैरह कर देगा जब आप फोटो वगैरह लोगे, तो एरिया काफी ज्यादा कवर कर देगा। फ्रंट कैमरे की बात करें 16+5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसके बटन पे देखने को मिलेगा, पावर अनलॉक वाले, यानी कि साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो पावर बटन होगा उसके ऊपर आप अपना थंब वगैरह लगा के इस फोन को ओपन कर पाओगे। अब बात करते हैं रैम एंड रोम की, तो 6GB 64GB एंड 6GB 128GB के दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड के लिए स्लॉट देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करते हैं 4200 mAh की देखने को मिलेगी, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सबसे मेन चीज की बात करते हैं यानी कि प्राइस की, तो इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस 6GB 64GB वाले का प्राइस आपको 16K का देखने को मिलेगा, या फिर इससे भी ज्यादा देखने को मिल सकता है, मतलब मिनिमम आपको 16K का देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ट्विटर पर एक बंदे ने यहाँ पे कमेंट करा था, यानी कि पूछा था, ट्वीट करा था कि मैं 15K के अंडर रियलमी 6 प्रो ले पाऊंगा या नहीं, तो उन्होंने यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहा कि आप रियलमी 6 ले पाओगे। तो यानी कि 16 जो प्राइस होगा फोन का रियलमी 6 प्रो का, वो 15K से ज्यादा होगा, यानी कि 16 से भी ऊपर ही होगा इस फोन का प्राइस। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको इस फोन को लेना है तो भाई आप इसका मतलब पहले लॉन्च हो जाने दो, इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस वगैरह आपको एक ऑफिशियल जो आपको पता चल जाए, तो उसके बाद आप इस फोन को सोचना लेना है या नहीं लेना। तो बस मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।